हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सेवैया की खीर, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आप बहुत ही झटपट से और जल्दी बना सकते हो। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है तो आप जल्दी से ये खीर बना के खा सकते हो, और बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी, यम्मी और अच्छे से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और वो एक बाउल सेवैया लिया है। यहाँ पे मैंने घी लिया है और वेलची पाउडर यहाँ पे मैंने ली है, और यहाँ पे मैंने देखिए एक लीटर दूध लिया है। दूध को हम अच्छे से बॉईल करके लेंगे। दूध को आपको अच्छे से बॉईल करके लेना है, क्योंकि हम जो हमारी ड्राई फ्रूट्स है और सेवैया ना, उसको अच्छे से फ्राई करके लेंगे। अगर वो ठंडा है और दूध गर्म है तो वो क्या है ना, कभी कभी दूध फट सकता है, इसलिए आपको दूध अच्छे से बॉईल करके लेना है। तो मैंने यहाँ पे दूध को बॉईल करने के लिए रखा है, और हम दूसरी जगह जब तक हमारा दूध बॉईल हो जाता है, तब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून के ले लेंगे, क्योंकि उसका कच्चा टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे भून नहीं सकते, ऐसे ही डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच घी लिया है। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा ना घी, तभी हम लोग उसमें बादाम डालेंगे। बादाम को भी हम ना अच्छे से भून लेंगे। आपको हमारा घी ना गर्म है तो आपको बादाम ना अच्छे से संभाल के डालना है। अगर आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करके डालोगे तो आपके हाथ जल भी सकता है, तो इसलिए आप आराम से डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें बादाम को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, खाली लो फ्लेम करके अच्छे से फ्राई करके लेना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ये पूरा जल जाता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी प्रोसेस लो फ्लेम पे ही करनी है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे बादाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने इसको साइड में एक प्लेट में निकाल के ले लिया है। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए आप इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। संभाल के निकालना है, संभाल के निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बादाम साइड पे निकाल के रखे हैं। अब इसमें हम काजू डालेंगे। काजू को भी लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ही हल्का सा भून के लेंगे, क्योंकि उसका कच्चा टेस्ट है, जब हम उसको भूनते हैं ना तो उसका कुछ अलग ही और यम्मी सा टेस्ट आ जाता है। इसलिए आप एक बार ये ट्राई करके लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा फ्राई करके फिर उस खीर में डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा और यम्मी टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे देखिए, काजू पहले हमारे कैसे वाइट वाइट थे ना, तो अब देखिए इसका कलर चेंज होके गोल्डन हो गया है। तो मैं साइड में अच्छे से निकाल के रखूँगी, संभाल के निकलना है हम लोगों को। सारे काजू बादाम हमने अच्छे से फ्राई करके साइड में निकाल के रखे। जो घी बचा है ना, अब उसी में हम हमारी सेवैया भी अच्छे से भून के ले लेंगे। सेवैया को भी ज़्यादा भूनना नहीं है, लो फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है, ज़्यादा भूनना मत। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 बाउल सेवैया उसमें डाली है घी में, तो अच्छे से भुनेंगे। ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो दूध लिया है ना, तो दूध में तो वैसे भी दूध तो ऑयल होता ही है, तो इसलिए आप ज़्यादा घी मत यूज़ कीजिएगा, थोड़ा ही यूज़ कीजिएगा। दूध आपका बटर मिल्क होगा ना, तो और भी उसके ऊपर ये आ जाता है, ऑयल आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से सेवैया को फ्राई करके लिया है। उसको जलाना नहीं है, लो फ्लेम पे अच्छे से हमें उसे भून के लेना है, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, मेरा सेवैया कितने अच्छे से और गोल्डन कलर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे उसका कलर कितना चेंज हो गया है, आपको भी दिख रहा होगा कि इसका कलर अब चेंज हो गया है, गोल्डन कलर दिख रहा है। तो ये देखिए, हमारे सेवैया अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। यहाँ पे मैंने किशमिश डाला है, किशमिश मैंने थोड़े ही डाले, मुझे इतना पसंद नहीं। यह किशमिश ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद है तो आप इसको ज़्यादा डाल भी सकते हो। मैंने तो बस टेस्ट के लिए बस थोड़ा ही डाला है, और उसमें मैंने तेल में फ्राई नहीं किया है। अगर हम उसको तेल में फ्राई करते ना तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो इतना अच्छा टेस्ट में नहीं लगता है। तो सेवैया जब हमारे भूनते हैं ना, तभी हम उसको डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए, हमारा दूध भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, दूध ज़्यादा गर्म है तो दूध को संभाल के डालेगा, और दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि दूध जब हम सेवैया गर्म है और दूध भी गर्म है डालेंगे, तो क्या होता है ना, वो हाथ पे आने की
संभावना है, इसलिए आप थोड़ा सा संभल के ही डालिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध एक बाउल में निकाल के रखा है और उसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से डालूँगी आराम से। तो यहाँ पे देखिए दूध हमारा अच्छे से जा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है 1 लीटर। आप चाहे तो दूध को कम ज़्यादा कर सकते हो, जितने आपके घर में मेंबर्स है उनके हिसाब से आप दूध 1 लीटर 2 लीटर या आधा लीटर उतना आप ले सकते हो, क्योंकि आधा लीटर दूध की कम से कम 4 ही लोगों के लिए होती है और 1 लीटर दूध की 5-6 जन आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही बनाई है इसलिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। और क्या होता है ना, जब हम खीर ड्राई फ्रूट थोड़ा देर तक पकाते हैं, इसको हमें 15 मिनट तक पकाना है, तो 15 मिनट में हमारा दूध हाफ हो जाता है, तो दूध की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसलिए हम लोग दूध ज़्यादा लेंगे ना तो उसका आधा ही खीर बन जाता है, तभी उसकी थिकनेस अच्छे से आ जाती है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शक्कर अभी नहीं डालेंगे, शक्कर हम लास्ट में डालेंगे। जब हम शक्कर लास्ट में डालते हैं ना तो उसकी थिकनेस और भी अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे ना, तो अब हम उसमें दूध में डालेंगे। दूध को पहले अच्छे से एक बार बॉईल होने देंगे सेवैया के साथ, तो सेवैया भी हमारी तब तक पक जाएंगे अच्छे से। जब तक हमारी सेवैया पक जाते हैं तब तक देखिए यहाँ पे दूध भी बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक हम उसको 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। फिर उसके ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद थोड़ी सी थिकनेस चेक करेंगे, ज़्यादा पतली है या गाढ़ी हो चुकी है। तो मुझे क्वांटिटी में थोड़ा कम लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दूध में और ऐड कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल शक्कर ली है, तो शक्कर डाल अच्छे से डालेंगे हम। आपको जितना मीठा पसंद है उतना आप आपके हिसाब से शक्कर, दूध और शक्कर डाल सकते हैं। और आप खीर थोड़ी सी टेस्ट करके आप उसमें शक्कर ज़्यादा या कम डाल सकते हो, जितना आपका मीठा पसंद है उतना आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने शक्कर सेवया और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स करके ले लिए हैं। और देखिए हमारी खीर अभी थोड़ा ही बस टाइम बाकी है, नहीं तो हमारी खीर अब रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अच्छे सेवया तो देखिए अच्छे से पक गए हैं, तो हम लोग अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा और दूध, क्योंकि मुझे ये क्वांटिटी में थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं दूध ऊपर से और थोड़ा सा डाल रही हूँ। आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपको अगर इतना ही कम करना है तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। मुझे थोड़ा कम लगा क्वांटिटी में इसलिए मैं और थोड़ा सा दूध उसमें मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मिल्क डालने के बाद हमारी खीर थोड़ी सी और क्वांटिटी में ज़्यादा हो गई है। तो दूध आपको यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से ही डालना है। तो यहाँ पे हमारा दूध डाल के हो चुका है। तो देखिए हमारी खीर अब यहाँ पे लगभग तैयारी है, बस हमें इसको 5 मिनट और अच्छे से पकाना है। और यहाँ पे देखिए इसकी हमारी खीर कितनी अच्छी और यम्मी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है और बहुत ही गाढ़ी बनी है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इतनी गाढ़ी खीर तो हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा और दूध डाल के मैं उसको थोड़ा सा और पतला बनाऊँगी। तो देखिए इसमें और थोड़ा सा दूध डाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारी खीर बनके तैयार है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे ना, वो जो इलायची ली थी ना, तो उसका पाउडर बना के हम उसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि वो लास्ट में ही इलायची डालना चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग में डालें तो बॉइल होके होके उसका स्मेल पूरा चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी खीर तैयार है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाउल में निकाल के रखी है। तो देखिए कितनी अच्छी और यम्मी बनी है, क्योंकि मेरी तो पहली खीर ये देखिए कितनी अच्छी यम्मी और टेस्टी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना।